पेंटागन में छिपे बैठे मेहुल चोकसी को एबीपी न्यूज ने ढूंढ निकाला। मेहुल चोकसी के बहाने कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का अब एक और मौका मिल गया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर मेहुल चोकसी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री कार्यालय पर यानी सीधे पीएमओ पर नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को संरक्षण देने का बड़ा आरोप लगा दिया है। सुरजेवाला ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो चोकसी समेत सारे भगोड़े वापस लाए जा सकते हैं। मेहुल चोकसी के बड़े इंटरव्यू पर क्या है कांग्रेस की प्रतिक्रिया, मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला। सर, एबीपी न्यूज पहुंचा है मेहुल चोकसी तक और मेहुल चोकसी का कहना है कि जो राजनीतिक माहौल बन गया है कि किसी बैंक डिफॉल्टर को देश नहीं लाया गया तो राजनीतिक तस्वीर पलट सकती है, इस वजह से दबाव बनाया जा रहा है, कंपनियां बंद हो गई हैं और वो एक छोटे से देश में हैं और उन पर दबाव बनाया जा रहा है, ये कहना है मेहुल चोकसी का, क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो एबीपी को साधुवाद कि 24,000 करोड़ के देश के भगोड़ों पर आपने देश का ध्यान आकर्षित तो किया। कौन है मेहुल चोकसी? मेहुल चोकसी वो है जिसको गोल्ड डीमोनेटाइजेशन स्कीम के तहत मोदी जी आमंत्रित कर हमारे मेहुल भाई की संज्ञा देते हैं। ये है मेहुल चोकसी और नीरव मोदी कितने नज़दीक देश के प्रधानमंत्री की हैं, ये इससे साफ है। 24,000 करोड़ देश का गया कहाँ? अगर मेहुल चोकसी और नीरव मोदी उसे लेकर नहीं भागे तो वो गया कहाँ? सच्चाई ये है कि मोदी सरकार में भगोड़ों का साथ, भगोड़ों का विकास, ये अब मोदी सरकार का असली चाल चेहरा और चरित्र है। क्या ये सही नहीं कि 7 मई 2015 को प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत कर कहा जाता है कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी बैंक का पैसा लेकर भाग जाएंगे? 26 मई 2015 को प्रधानमंत्री कार्यालय उस शिकायत को एक्नॉलेज करता है। 2015 से 2017 के बीच में 7 शिकायतें मोदी जी को दी जाती हैं, मोदी जी कुछ नहीं करते। ये है संसद में वित्त मंत्रालय का जवाब। इसमें साफ तौर से उन्होंने माना कि हाँ 15 और 16 में शिकायतें तो मिली पर कार्रवाई 1 मार्च 2018 को की, पर मेहुल चोकसी तो 4 जनवरी 2018 को भाग गया था। तो मोदी जी हमारे भाई मेहुल चोकसी को प्रोटेक्ट कर रहे थे, पीएमओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, ईडी, सीबीआई, एसएफआईओ, ये सब भगोड़ों को भगाने में व्यस्त थे। ये इस देश की सच्चाई है, आपको साधुवाद कि आप उसे लेकर आए। और क्या ये सही नहीं कि मई और जून 2017 में देश का विदेश मंत्रालय, भारत का विदेश मंत्रालय और पुलिस मेहुल चोकसी को एंटीगुआ की सिटीजनशिप लेने के लिए क्लीन चिट दे देते हैं? वो जो फ्रॉडस्टर है उसको आप क्लीन चिट कैसे दे रहे थे और नवंबर 2017 में उसे नागरिकता मिल जाती है? और आपके इंटरव्यू में आज मेहुल चोकसी ने कहा कि उसे पहला नोटिस पासपोर्ट ऑफिस से 16 फरवरी 2018 को आता है। तो आपने नवंबर 2017 से फरवरी 2018 के बीच उसे दो दो पासपोर्ट रखने की इजाजत कैसे दी? आपने उसे 4 जनवरी 2018 को देश से भागने कैसे दिया? नीरव मोदी के साथ मोदी जी क्यों विदेश में फोटो खिंचवा रहे थे? क्यों उसे बिजनेस डेलीगेशन में लेकर गए थे? इन सब बातों का जवाब बड़ा सीधा है, भगोड़ों के संरक्षक प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हैं, भगोड़ों के संरक्षक भाजपाई हैं। और जब तक सरकार में प्रधानमंत्री की आप जिम्मेवारी स्पष्ट तौर से उनकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करेंगे, ये भगोड़े पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि इन भगोड़ों के आका अब प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर विराजमान है। तो तीखा हमला कांग्रेस पार्टी के रणदीप सुरजेवाला का, सीधे सीधे मोदी सरकार पर राजनीतिक संरक्षण के तहत मेहुल चोकसी देश छोड़कर भाग गया। ये बड़ी बात कही कि मेहुल चोकसी को सीधे सीधे सरकार का संरक्षण मिला, पीएमओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ईडी, इन तमाम संस्थाओं ने भगोड़ा को भगाने में मदद की। मेहुल चोकसी को सरकार ने भागने क्यों दिया? सरकार चाहे तो मेहुल जैसे वापस लाए जा सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने ये अहम बातें कही। हम आपको बता दें एबीपी न्यूज पर मेहुल चोकसी ने अपने इंटरव्यू में राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने का आरोप लगाया है। उसके आरोपों के जवाब में बीजेपी ने कहा है कि मेहुल चोकसी कार्रवाई के डर से घबरा कर ऐसे बयान दे रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।